इसके बेटर रिजल्ट देखने के लिए इसको गीले फेस के ऊपर अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसका एप्लीकेशन आप लोगों को दिखाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए, मैंने अपने फेस को अच्छे क्लींजर से वॉश किया, उसके बाद दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। यहाँ पर मैंने ड्राई रहने दिया है, इसको मैंने थोड़ा सा गीला करके आप लोग को दिखाया। अगर आप लोग इसको जब अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करो कि अपने फेस को थोड़ा सा गीला रहने दो, क्योंकि पानी के साथ अगर आप इसका एप्लीकेशन करते हो तो आप बेटर रिजल्ट देख सकते हो। आप लोगों को शायद फेस पे कोई डिफरेंस नजर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, इस एप्लीकेशन के बाद मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्किन को टच कर पा रही हूँ कैमरे में, और टच करने में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक जेल है जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसको यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो चुकी होगी, बेटर भी हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप लोगों को ये पता चले कि ये रिजल्ट्स टेम्परली हैं, सिर्फ तब तक हैं जब तक आप इस जेल को यूज़ कर रहे हैं, जिस दिन आप इस जेल को स्टॉप कर देंगे उस दिन आपकी स्किन वापस वैसे के वैसे हो जाएगी, तो सुनने में बड़ा अजीब नहीं लग रहा कि यार मैंने तो इतना पैसा वेस्ट किया, मैं इतने लॉन्ग टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये क्या कि मेरी स्किन वापस वैसे के वैसे हो जाएगी। लेकिन अगर उसी जेल का मैं ये कहूँ कि अगर आप इसका एक और ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हो, या आप इसको एक सही तरीके से अगर यूज करते हो, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंटली रह सकते हैं। बिल्कुल इस वीडियो के अंदर जो बाकी वीडियोस हैं हाइलुरोनिक एसिड को लेकर, हाइलुरोनो जेल को लेकर, हाइड्रोजेल को लेकर, हाइलोजेल को लेकर, ये हाइलुरोनिक एसिड से रिलेटेड जितनी भी जेल्स हैं जो कि मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल हैं, जिन्हें आप यूज कर रहे हैं एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं, प्राइमर की तरह यूज कर रहे हैं, एक पैक की तरह यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं, मैं आज आपको हाइलोजेल जो कि आप इसे बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, इसमें आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि शायद अभी तक आपको किसी ने ना बताई हो या आपको ना पता हो। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आप लोगों को ये जेल यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मकसद से इसको यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में आपका वो मकसद पूरा हो भी रहा है, आप जिस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉब्लम आप ट्रीट भी कर पा रहे हैं। अगर आपका स्किन ऐसा है तो बिल्कुल इसको यूज़ करने के बाद ऐसा हो चुका होगा, अगर आपका स्किन ऐसा है और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ऐसा हो चुका होगा। जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो अलग अलग तरह से चेंज होकर निकल के आ रहा है, मतलब आपकी डे बाय डे स्किन चेंज होती जा रही है। लेकिन अभी भी आप लोग एक्चुअल में क्या इसका यूज़ जानते हो कि हमें इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है, और सिंगली इसके यूज़ करने से टेम्परली रिजल्ट्स क्यों मिलेंगे, ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये किस स्किन के लिए सूटेबल है, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, हाइलोजेल आपको किस तरीके से यूज़ करना है, इसको किस कॉम्बिनेशन में आपको यूज़ करना है, इसके जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो आपको कितने टाइम में मिलेंगे, और किस तरीके से आप इसको यूज़ करके बेटर रिजल्ट्स, परमानेंटली रिजल्ट्स देख सकते हैं। एक्चुअल में जो हाइलुरोनिक एसिड जेल है उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि इसके कुछ प्लस पॉइंट है, नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली है, पोर्स को क्लोज नहीं करता है, पोर्स को श्रिंक करके रखता है, आपका जो स्किन टेक्सचर है उसको स्मूथ बनाता है। इसमें जो हाइलुरोनिक एसिड होती है हाइलोजेल में, ये आपकी स्किन के अंदर नमी भी बना के रखती है और आपकी स्किन को शाइन यानी कि चमक भी देता है। इसके अंदर किसी तरीके का कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ईजिली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है और आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर उनके वर्क को फास्ट कर देता है। ये सारे बेनिफिट है अगर आप हाइलोजेल को यूज़ करते हैं तो। अभी तक आप लोगों ने हाइलुरोनिक एसिड के बहुत सारे बेनिफिट्स सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने ये सुना है कि जैसे जैसे आप लोगों की एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी स्किन के जो सेल्स हैं अंदर के वो बहुत ज़्यादा लूज होते जा रहे हैं। जब आप हाइलुरोनिक एसिड अपने रूटीन के अंदर ऐड करते हैं मॉर्निंग में, नाइट में, एक जेल फॉर्म में, एक सीरम फॉर्म में, तो आपके जो सेल्स हैं उनको टाइट करने लगता है, आपके कोलेजन जो है जो डे बाय डे एज के साथ साथ कम होता जा रहा है, तो ये आपके सेल्स को टाइट करता है ताकि आपकी स्किन और ज़्यादा टाइट दिखती है, हाइड्रेट रखता है स्किन को, मॉइस्चर बनाए रखता है। सभी स्किन के लिए सारे प्रोडक्ट्स नहीं बने कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट उठाकर लगा लोगे, लेकिन आप लोगों को पता है आपका स्किन ऑयली हो, एक्ने प्रोन हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, इरिटेशन वाला हो, आप सभी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए इस हाइलोजेल का या कोई भी हाइलुरोनिक एसिड जेल का यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी स्किन के किन किन प्रॉब्लम्स के लिए हाइलोजेल का यूज़ कर सकता हूँ? अगर आपका स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अनइवन है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, जबकि आप बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, अनइवन टेक्सचर है, अपनी स्किन को आपको प्लम्प करना है, थोड़ा सा मोटा करना है, थोड़ा सा बहुत स्मूथ टेक्सचर बनाना है, उसके लिए आप हाइलोजेल का यूज़ कर सकते हैं। क्या इसके रिजल्ट सीरियसली टेम्परेरी? अगर हमें इसके रिजल्ट्स को परमानेंट बनाना हो तो हम क्या करें? हाइलुरोनिक जेल जो होता है, हाइलोजेल जो होता है, हाइलुरोनिक एसिड एक वाटर बेस्ड सॉल्यूबल है। जब आप इसको अपने फेस के ऊपर यूज़ करते हो तो आप यही समझ के लगाओ कि ये सिर्फ आपकी स्किन के हाइड्रेशन बढ़ा रहा है, पानी की मात्रा को बढ़ा रहा है, आपकी नमी को लॉक करके रख रहा है। तो उस कंडीशन में जब आप सोचते हो कि मैं सिर्फ ये यूज़ करूं तो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, रेटिनो है, ग्लाइको है, नियासिनेमाइड है, पैप्टाइड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो भी है, जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी सीरम्स हैं, जितने भी एसिड
अगर आप हाइलुरोनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में उसको लगाते हैं कि पहले आपने एक लेयर इसके जेल की लगा ली, उसके बाद आप इनमें से कोई सा भी एक एसिड उठाकर अगर अपने फेस पे लगाते हैं, तो जो हाइलो जेल आप यूज कर रहे हैं, इसका हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज कर रहे हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। ये मेरी स्किन के किन प्रॉब्लम्स को टारगेट करेगा? आपको एक्ने है, ऑयलीनेस है स्किन के अंदर, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, ये उसको टारगेट करेगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, लार्ज पोर्स हैं, ये उसको टारगेट करेगा। अगर आपका टेक्सचर अनइवन है, उसको ये टोन करके रखेगा या स्मूथ करके रखेगा। अगर आपके स्किन के अंदर कहीं भी रिंकल्स या फाइन लाइन्स हैं, तो ये उसको कंट्रोल करेगा। आपके फेस पे जो एक खिंचाव सा आप लोगों को महसूस होता है, ये उसको हाइड्रेट बनाकर और स्किन को बहुत चिकना बनाकर रखेगा। मुझे किस एज में हाइलुरोनिक एसिड यानी कि हाइलोजेल को यूज़ करना चाहिए? इसके लिए कोई भी एज नहीं है। आपका स्किन टाइप कोई भी, आपकी स्किन प्रॉब्लम कोई भी, आप इसको बिल्कुल अपने रूटीन में किसी भी एसिड के साथ ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। एक बहुत बड़ी बात, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, वैसे वैसे जब आप बाहर के पॉल्यूशन में जा रहे हो, आपके फेस के ऊपर धूप लग रहा है, पॉल्यूशन लग रहा है, ये जो बाहर का वातावरण है अभी ये स्किन उस लेवल पर नहीं ले पा रहा है, तो उससे अगर आप कंटिन्यू में रूटीन में हाइलोजेल यूज़ करते हैं, तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, प्रोटेक्ट रखता है। इसका सही एप्लीकेशन क्या है? अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपने मॉर्निंग नाइट रूटीन में सिर्फ हाइलोजेल यूज़ कर लूँ, तो वो सही नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं, फिर भी आपकी ड्राइनेस कम नहीं हो रहा है, तो पहला कॉर्ड आप हाइलुरोनिक एसिड का लगाओ, लेकिन उससे पहले आपके फेस के ऊपर थोड़ा गीलापन रहना चाहिए। उसके बाद आप 10 मिनट बाद, जब हाइलोजेल लग जाए, उसके 10 मिनट बाद आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं जो कि आपके स्किन का टाइप का हो। यही सेम चीज़ आपको ऑयली स्किन के अंदर भी करनी है। आप पूरे दिन में 2 से 3 बार इसका यूज़ कर सकते हैं बेटर रिजल्ट्स देखने के लिए। तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, स्किन पर बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, अगर आप इसको सही एप्लीकेशन में, सही तरीके से, सही कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।